हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ मैडवेंचर। आज के एपिसोड में हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे पहला स्टेप हमारे एक मुश्किल एडवेंचर की तैयारी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर ट्रेनिंग टू ट्रैक टूवर्ड्स द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ज्योग्राफिकली बहुत चैलेंजिंग एरिया है अपने मौसम की वजह से और अपनी हाइट की वजह से। मौसम वहाँ पर तकरीबन पूरा साल माइनस के अंदर रहता है और उसकी हाइट जो कि तकरीबन 5,500 मीटर के करीब है, वहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत होती है और उसके साथ साथ वहाँ की जो ऊंचाई है वहाँ पर एक्लाइमेटाइज करने में ही अपने आप को बहुत दुश्वारी होती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए, ऐसी जगह पर मौजूद होने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है और आज के इस एपिसोड में हम आप लोगों के साथ एग्जैक्टली यही चीज़ शेयर करेंगे। आप लोगों ने अक्सर पिक्चर्स, ड्रामों और टीवी के अंदर तो देखा ही होगा कि किस तरह से एथलीट्स और जो माउंटेनियर्स होते हैं किस तरह बड़े आराम से वहाँ पर मौजूद होते हैं, या जिस तरह हमारे पाक फौज के जो जवान होते हैं किस तरह अपना सर फख्र से बुलंद करके बहादुरी के साथ वहाँ पर डटे खड़े होते हैं। लेकिन ये सब देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इस सब को आसान बनाने के लिए इस सब के पीछे एक बहुत डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, जो कि ना ही सिर्फ आपको फिजिकली फिट करती है बल्कि मेंटली भी ट्रेन करती है। तो आज के इस एपिसोड में हम आप लोगों को यही दिखाएंगे कि ऐसा मुश्किल ट्रैक करने के लिए या ऐसी ज्योग्राफिकली मुश्किल जगह पर मौजूद होने के लिए किस तरह से आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए देखते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में टू ट्रेन योरसेल्फ फॉर सच चैलेंजिंग and difficult treks physically and mentally. So let's do this together. I'm Ahmad Mir and this is Madventure. इस डिफिकल्ट ट्रैक की तैयारी के लिए हम मौजूद हैं आयरन बॉक्स ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर। आयरन बॉक्स पाकिस्तान का पहला क्रॉसफिट एफिलिएट जिम था, जिसकी वजह से ये महारत हासिल करते हैं एथलीट्स को, माउंटेनियर्स को, पुलिसमैन, मिलिट्री पीपल और फायर फाइटर्स को ट्रेन करने के लिए। सो वो सारे प्रोफेशनल्स जिनकी ट्रेनिंग में वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिससे किसी की या तो जान बचाई जा सकती है या जिससे उनकी अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस हो सकती है। तो परफॉर्मेंस इन्हांस होती है एथलीट्स की, जिस तरह इस ट्रेनिंग सेंटर को ये शर्फ हासिल है पाकिस्तान के उन एथलीट्स को ट्रेन करने का या पाकिस्तान के उन एथलीट्स को प्लेटफॉर्म देने का कि यहाँ पर आकर वो ट्रेन करें और फिर पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकें। यहाँ पर ऐसे ऐसे एथलीट्स आए हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए भी ट्रेन किया है और उसके साथ साथ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। फिर इस प्लेटफॉर्म ने बहुत से मिलिट्री लोगों को ट्रेनिंग प्लान्स भी प्रोवाइड किए हैं, बहुत से फायर फाइटर्स को ट्रेनिंग प्लान्स प्रोवाइड किए हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर उन लोगों को ट्रेन किया जाता है कि जैसे वो प्रोफेशनल्स जिनकी ट्रेनिंग से किसी की जान बचाई जा सकती है या किसी की परफॉर्मेंस जो कि एथलेटिकल या प्रोफेशनल परफॉर्मेंस हो सकती है किसी स्पोर्ट की, उसको इन्हांस किया जा सकता है। और जिस तरह के हम जानते हैं कि माउंटेनियरिंग भी इन इटसेल्फ एक स्पोर्ट है, वो सारे जो एडवेंचरर्स होते हैं जो कि कोई पहाड़ सर करते हैं, ये सारे स्पोर्ट्स करते हैं, इन सब को फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और ना ही सिर्फ फिजिकली फिट होना बल्कि मेंटली फिट होना भी ज़रूरी है। तो ये वो ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर हम वो सारी ट्रेनिंग्स आपको करके दिखाएंगे। तो आज हमारे ट्रेनिंग प्लान के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर आपको ऐसी जगहों के लिए ट्रेन किया जाएगा जहाँ पर आपकी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो, आपका स्टेमिना टेस्ट हो, आपका कार्डियोवेस्कुलर स्टेमिना टेस्ट हो। तो वो सारी ट्रेनिंग्स आज हम आप लोगों करके दिखाएंगे और बताएंगे कि वो कौन से ट्रेनिंग प्लान्स हैं जिनको फॉलो करके तो आप फिजिकली फिट होते हैं। उसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि जिस तरह आज हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क है उसके अंदर हमने सियाचिन को मद्देनजर रखा हुआ है। तो सियाचिन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी एक डिफ़िकल्ट, एक चैलेंजिंग ट्रैक है। चैलेंजिंग इस वजह से कि वहाँ का जो मौसम है अक्सर औकात माइनस के अंदर रहता है, विच मीन्स कि आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा अपने आप को लेयर्स के अंदर कवर करना पड़ेगा ताकि आप वहाँ की सर्दी से बच सकें। तो जब आप अपने आप को फिजिकली कवर करते हैं, विच मीन्स कि आपका जो बॉडी का वेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है। तो जब बॉडी का वेट बढ़ चुका है
जो कि आपका नॉर्मल वेट नहीं है, और उस पे जब आपने कई कई घंटों कई कई दिन चलना है, खड़े रहना है, वो कैसे करना है, तो उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो इक्विप करके आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं इस तरह की एंड्योरेंस के लिए। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि सियाचिन में, वो है सियाचिन की हाइट। सियाचिन तकरीबन 5400 मीटर्स की हाइट के ऊपर है, विच मीन्स कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल से फ़र्क है। सो दैट मीन्स कि हमें वो ट्रेनिंग भी करनी है जहाँ पे हमने अपने आप को ट्रेन करना है ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स कम हैं। सो आज की ट्रेनिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फील ब्रेथलेस, यू विल फील कि आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर स्टेमिना है वो काफ़ी हद तक टेस्ट हो रहा है। हम एयर लेवल्स को तो ऑब्वियसली चेंज नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम इस तरह से सिमुलेट करेंगे कि वो एक्सरसाइजेज जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली एरोबिक मूवमेंट्स करनी पड़ रही हैं, जो कि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन के ऊपर चल रही हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा ब्रेथलेस फील करेंगे, तो ये आपको उन चीज़ों के लिए भी ट्रेन करेगी। तो आज की ट्रेनिंग में आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने आप को मेंटली फिट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये वो चीज़ें हैं जो एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन ये वो प्लान है जो कि आप ओवर द मंथ्स ओवर द ईयर्स फॉलो करते हैं, जिसके बाद आप ना ही सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली फिट भी होते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स ट्रेन फॉर दिस एडवेंचर टुगेदर, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एडवेंचर ट्रेनिंग, लेट्स डू दिस। Almost ready to start our workout, लेकिन उससे पहले आज का जो हमारा वर्कआउट प्लान है उसके बारे में आपको बताता चलूँ। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि हम तैयारी कर रहे हैं इस वक्त सियाचिन को ट्रैक करने की, एंड काफ़ी चैलेंजिंग टेरेन है, ज्योग्राफिकली काफ़ी चैलेंजिंग है, विच इज़ वाई वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल दी अनफॉरसीएबल चैलेंजेस जो हमारे सामने आएंगे। सो अनफॉरसीएबल चैलेंजेस और जहाँ पे आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है उस तरह की चीज़ों के लिए जो आपकी ट्रेनिंग है वो भी एट रैंडम होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा वर्कआउट है और जनरली जो हमारा वर्कआउट प्लान होगा, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ एक दिन में कंप्लीट नहीं हो जाती है, इट टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स इन ऑर्डर टू बी केपेबल जस्ट लाइक एवरी अदर एथलीट, परफॉर्मर, माउंटेनियर, पुलिसमैन, मिलिट्री पर्सन और फायर फाइटर। तो आज की जो हमारी ट्रेनिंग है उसके अंदर हम अनफॉरसीएबल चैलेंजेस के लिए ट्रेन करेंगे, एट रैंडम वी गोना ट्रेन, और साथ साथ वो ट्रेनिंग करेंगे जिसके अंदर फंक्शनैलिटी होगी। फंक्शनैलिटी से मुराद है कि आप उस ट्रेनिंग को कहीं अप्लाई कर सकेंगे उन चीज़ों में जो आप इन रियल लाइफ काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो अब हमने सियाचिन के ट्रैक के लिए ट्रेनिंग करनी है उसमें हमें पता है कि जैसा वहाँ का मौसम होता है उसके लिए आपको काफ़ी हैवी लेयर्स के अंदर तैयार होना पड़ता है, विच मीन्स कि यू नीड टू प्रिपेयर इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर बॉडी वेट, और अपने बॉडी वेट इंक्रीज करके आपने ट्रेनिंग करनी है, जिसमें इन्वॉल्व होती है लॉट ऑफ अपहिल क्लाइंब, जिसके अंदर आपने बड़े बड़े स्टेपिंग स्टोन्स हर्डल्स को क्लियर करना पड़ता है, और कभी कभी आपने सिर्फ ओवरवेट लेयर्स वाले कपड़े पहनकर खड़े रहना पड़ता है, तो दैट कैन बी चैलेंजिंग एज वेल। उसके साथ साथ वी नीड टू ट्रेन एंड क्लाइमेटाइज आर सेल्फ फॉर दोज एरियाज जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो हम ऐसी कंडीशनिंग करेंगे जिसमें हम कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट्स भी कर रहे हैं, जहाँ पे हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी करेंगे, जहाँ पे आपको ये फीलिंग आएगी कि यू आर आउट ऑफ ब्रेथ, और आपकी जो एरोबिक ट्रेनिंग है विच मीन्स कि हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रेन करेंगे अपने आप को। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं इस वक्त इंट्रोड्यूस करूँगा माई टीम, माई ग्रुप जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयरन बॉक्स जो जिम है, जो फैसिलिटी है, इट इज़ नोन फॉर ट्रेनिंग एथलीट्स, फॉर दोज प्लेयर्स एंड दोज प्रोफेशनल्स जिनकी रियल लाइफ में जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे नादिया से। नादिया इज़ अ वेरी सीजन्ड एंड ट्रेन्ड माउंटेनियर, और इस वक्त वो ट्रेन कर रही है हमारे साथ अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि उनको हेल्प करेगी, उनका स्टेमिना बिल्ड करेगी, एंड्योरेंस बिल्ड करेगी व्हेन शी इज़ ट्रैकिंग टू अनदर माउंटेन, जो कि वो पहले भी यहाँ पर आकर कर चुकी हुई हैं। लाइकवाइज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरमद। सरमद जो हैं
वो ट्रेंड प्रोफेशनल है व्हेन इट कम्स टू बॉक्सिंग। एंड बॉक्सिंग जो है हमें पता है कि कितना वो इंटेंस किस्म का स्पोर्ट है, जिसके अंदर आपके कार्डियोवेस्कुलर, जिसके अंदर आपकी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसके अंदर एरोबिक ट्रेनिंग, हर तरह की वो ट्रेनिंग मौजूद है जो कि आपके एंड्योरेंस और स्टेमिना को टेस्ट करती है। तो सरमद इधर जो है अपनी उस स्पोर्ट की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। एंड सिमिलरली मूविंग ऑन, हमारे साथ आज के ग्रुप में जो मौजूद हैं वो हयान है। हयान इज़ अ नेशनल बैडमिंटन प्लेयर। एंड अगेन लाइक आई सेड कि जो एथलीट्स हैं वो भी यहाँ पर आके ट्रेन करते हैं और अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। तो आज ये लोग मेरे साथ मिल के ट्रेन करेंगे। एंड माई सेल्फ आई एम ऑल्सो ट्रेनिंग फॉर दिस वेरी डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट ट्रैक जो कि हमने सियाचिन ग्लेशियर का करना है। तो इसके साथ आप लोग एक आइडिया देंगे कि ये सारे जो डिफरेंट ग्रुप से लोग आते हैं जो ट्रेन करते हैं अपने अपने प्रोफेशन की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए किस तरह से वो ट्रेन करते हैं। तो आज का वो वर्कआउट हम यहाँ पर करके आप लोगों को दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि जो आप लोग टीवी पर देखते हैं जो इतना कैजुअल लगता है उसके पीछे कितनी मेहनत, कितना हार्डवर्क इन्वॉल्व होता है इन ऑर्डर टू मेक दोज डिफिकल्ट थिंग्स कम ट्रू वेरी इजीली। So without any further ado, let's get started. So the first exercise that we're doing today, iski functionality aur iski application un scenarios mein hogi jab aapko bahut zyada heavy weight apne upar utha ke to kafi stepping stones ya hurdles ya phir elevated jagahon ko aapne cover karna ho. So is scenario mein we have sandbags here. We're going to do weighted step ups with the sandbag on the box. So let me just give a quick tutorial. इस तरह से आपने सेफली जो सैंड बैग है उसको ओवरहेड पोजीशन में सिक्योर कर लेना है, ऑल राइट। एंड डिपेंडिंग कि कितना वेट आपको लगता है कि आप रियल लाइफ सिनेरियो में उठाएंगे, प्रोबेबली उससे कुछ किलो ज़्यादा आपको अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपने ऊपर लोड करना है ताकि जब आप उसको रियल लाइफ सिनेरियो में रिप्लिकेट करें या अप्लाई करें तो आपके लिए उतना डिफिकल्ट ना हो या आपको पता हो कि आप इससे ज़्यादा वेट के लिए ट्रेन कर चुके हैं। सो वंस द वेट इज सिक्योर्ड ऑन योर बैग, उसके बाद हमने सामने डिफरेंट हमारे पास हाइट के बॉक्सेस मौजूद हैं। इस वक्त हम जो हाइट कवर करने लगे हैं वो 20 इंचेस की है एंड हो सकता है कि आपको रियल लाइफ सिनेरियो में इससे कम या इससे ज़्यादा हाइट के ऊपर स्टेप अप करना हो या उससे ज़्यादा हाइट को कवर करना हो छलांग मार के या अपने बॉडी वेट की मदद से हाथों के इस्तेमाल से उसके ऊपर करना हो। बट राइट नाउ इस वक्त जो हमारे सामने सिनेरियो है वो ये है कि हमने तकरीबन 20 इंचेस की जो हाइट है उसको कवर करना है विद वेट्स ऑन आवर बैक। सो लेट्स ट्रेन फॉर दैट। वी गोना डू 10 ऑन ईच लेग। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है आज की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट लेग अप एंड मूव, लेट्स गो, सेफली बैक डाउन एंड ऑपोजिट लेग अप। इस तरह यू मेक श्योर दैट यू कीप मूविंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर आपने अपने बॉडी वेट से ज़्यादा वेट अपने ऊपर लोड करके अप हिल ट्रेवल करना है या कुछ हाइट वाले हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको आपने कवर करना है। ये वो सिनेरियोज हैं, अनफॉरसीएबल चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज के वर्कआउट का पार्ट है वो है बॉक्स जंप्स। ये उस सिचुएशन को रेप्लिकेट करेगी जहां पर कोई ऐसा हर्डल या कोई ऐसा क्लिफ है जो कि आपने जंप करके क्लाइंब करना है, ऑलराइट। सो इसमें डिफरेंट तरह के डिफिकल्टी लेवल्स हो सकते हैं। अभी हम बेसिक डिफिकल्टी से स्टार्ट करेंगे जो कि 20 इंचेस की हाइट है इस बॉक्स की, उसको हम जंप करेंगे और ये आपको हेल्प करती है टू इम्प्रूव योर एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स और उसके साथ साथ आपकी लेग्स, कोर एंड देन कार्डियोवेस्कुलर स्टेमिना भी आपका टेस्ट करती है डिपेंडिंग कि आप कितनी ड्यूरेशन के लिए करें। सो राइट नाउ वी गोना जंप फॉर 15 रेप्स। सो ऑन द मार्क टीम, लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। वेरी नाइस, इजी। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं कि कैसे मेरी जो एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स हैं वो टेस्ट हो रही हैं। जब मैं जंप कर रहा हूँ तो मेरी जो हिप मोबिलिटी है वो भी टेस्ट हो रही है, द वे आई लैंड ऑन द बॉक्स। एंड देन सिमिलरली यू कैन इंक्रीज द डिफिकल्टी जो कि मैंने इंक्रीज कर दी। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं इस वक्त जो बॉक्स की हाइट है वो 24 इंचेस हो चुकी है। सो अगेन एक्सप्लोसिव मूवमेंट बढ़ाऊंगा, जंप करूंगा एंड सेफली जंपिंग बैक ऑन द बॉक्स। ब्रीद इन,
ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि अभी इसी एनवायरनमेंट में जो कि हमने सिमुलेट करने की कोशिश की है, एक ऐसे सिनेरियो में जो कि आप किसी बर्फानी इलाके में भी हो सकते हैं, किसी ऐसे इलाके में हो सकते हैं जहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली कम है, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये इस सिचुएशन में भी आपको कितना टेस्ट कर रहा है आपके कार्डियोवेस्कुलर स्टेमिना को, आपकी लंग्स को। यू ऑलरेडी फील आउट ऑफ ब्रेथ। तो जब रियल लाइफ में जाके आप इसको रेप्लिकेट करते हैं तो कोशिश होती है कि उधर का जो इम्पैक्ट है, जो कि अगर इस ट्रेनिंग के बगैर आप करें तो अगर आप 100% फटीग में होंगे तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रॉबेबली आप 50% या 40% लेस फटीग में होंगे, विच विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव योर इंटेंसिटी, योर परफॉर्मेंस ऑन दैट डे। नादिया, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक माउंटेनियर भी हैं। शी हैज़ डन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ट्रैकिंग एट वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स। सो राइट नाउ नादिया, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये जो ट्रेनिंग है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू जो आप इसको अप्लाई कर सकें व्हेन यू आर ट्रैकिंग डिफरेंट माउंटेन्स, डिफरेंट टेरेन्स, एंड नॉट ओनली इन स्नो बट उसके अलावा जो रगेड टेरेन्स हैं उनको भी आपने ट्रैक किया है। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस ट्रेनिंग जो कि आपको हेल्प करती है फिजिकली एंड देन अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए आप क्या करती हैं? लाइक एनी क्लाइंट, कोई भी ट्रैक हो, आई थिंक उससे पहले उसकी प्रिपरेशन करना आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट वॉकिंग फॉर लाइक आवर्स, यू आर ऑल्सो कैरिंग वेट। आपकी कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस उसमें होती है टेस्ट, और इवन योर स्ट्रेंथ, आपके थाइज, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, कोर अगर नहीं है स्ट्रांग, आई थिंक यू कांट गो अपहिल अलॉट। सो दिस ऑल्सो फिजिकली तो आपको कर ही रही है प्रिपेयर, बट ये वाली ट्रेनिंग्स आपको मेंटली भी एक आइडिया आपको दे देती हैं कि व्हाट यू आर इन फॉर एंड इफ यू आर रेडी फॉर इट और नॉट। That is amazing. So, it's like a test. This part is also like a test, like a test. And preparing you for that. Absolutely agreed. और दूसरा मुझे बताएं कि how important is your mental fitness? Because एक जो आपके mind में concept होना चाहिए, because mountaineering and then trekking, इसके अंदर कुछ risks भी involved होते हैं. So how do you make sure कि आप mentally fit हैं? एक तो A, to be prepared for these risks, कि आप accept करें कि यार इस तरह के risks और challenges आएंगे. And then B, how do you train to overcome the fear of training for these risks? I think ये इस चीज़ में तो सबसे ज़्यादा रिस्क होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क होते हैं इसमें तो, बिकॉज एनी वन यू हैव विद यू, यू योर सेल्फ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ टू ओवर देयर। तो लाइक आई सेड, इनडोर एट जिम्स एंड इवन आउटडोर ट्रेनिंग हेल्प यू, एंड स्टार्ट विद स्मॉलर ट्रैक्स, स्टार्ट विद स्मॉलर क्लाइंब्स, एंड आराम आराम से वन यू गेट यूज टू इट, यू गेट टेस्टेड अलॉट, आपको फिजिकली भी पता चल जाता है, आपको मेंटली भी प्रिपेयर्ड होते हो आप, तो छोटे छोटे ट्रैक्स से स्टार्ट करके आई थिंक देन यू शुड गो अप फॉर बिगर पीक। Absolutely, that is right, and I think moving on, we should continue with the rest of our workout and let's see. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे वर्कआउट प्लान का पार्ट है, ये एक फुल बॉडी कार्डियो एक्सरसाइज है एंड इट इज़ रियली गुड टू ट्रेन योर सेल्फ फॉर ऑल दोज अनफॉरसीएबल चैलेंजेस जिसके अंदर आपका तकरीबन हर बॉडी पार्ट जो है वो टेस्ट हो रहा है। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू ट्रेन फॉर बैटल रोप्स। इसके अंदर आपका कोर टेस्ट होगा, योर ग्लूट्स, योर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, योर शोल्डर्स, योर बैक, ट्राइसेप्स, एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर फोरआर्म्स आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड टू टेस्ट यू फॉर दोज चैलेंजेस जहाँ पर फुल बॉडी कार्डियोवेस्कुलर स्टेमिना, फुल बॉडी स्ट्रेंथ एंड आपकी जो फिजिकल फिटनेस है इन टर्म्स ऑफ योर कोर इन्वॉल्व है। सो राइट नाउ वी कैन स्टार्ट विद दिस, लेट्स गो बॉयज, ऑन योर पोजिशंस, ऑन योर मार्क्स एंड लेट्स गो। सो वी कैन ऑलरेडी सी कि किस तरह से आपको शायद लग रहा होगा कि आपकी सिर्फ अपर बॉडी यूज हो रही है, बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर इन दिस पोजीशन तो आपका जब कोर एंगेज होता है, योर ग्लूट्स, योर हैमस्ट्रिंग्स, तो ये आपकी पूरी बॉडी को जो है वो टेस्ट करती है इन अ वेरी वेरी इंटेंस मैनर।
All right, guys, let's go. Come on, push it. सो इस वक्त मैं मौजूद हूँ टू एथलीट्स के साथ, और ना ही सिर्फ एथलीट्स बल्कि वो लोग जो कि एथलीट्स को ट्रेन भी करते हैं और जिनका प्रोफेशन जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है उनकी अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस और उसकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर। तो हयान, जो कि आपको मैंने बताया कि हमारे नेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं, सरमद, जिनका बैकग्राउंड बॉक्सिंग से है, इन दोनों की प्रोफेशन में जो फिज़िकल फिटनेस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ अब मैं इन लोगों से पूछूंगा कि कैसे जो फिज़िकल ट्रेनिंग है उसने किस तरह से इन लोगों को हेल्प किया है और किस किस एस्पेक्ट में अपने प्रोफेशन के इन दोनों को हेल्प किया है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद हयान। तो हयान, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, हाउ डू यू हेल्प ट्रेन योर क्लाइंट्स, जो कि उनको फिर हेल्प करती है इन अनफॉरसीएबल चैलेंजेस जो कि आके जो हैं डिफरेंट जॉनरस से भी एथलीट्स आपके पास आते हैं। आई एम श्योर आपके पास वो एथलीट्स भी आते हैं जो कि ट्रैकर्स भी होते हैं, रनर्स भी होते हैं, और हमें पता है कि रनिंग जो है एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि एक मेजर एडवेंचर हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है, वो रनिंग है। तो किस तरह से आप उन एथलीट्स को हेल्प करते हैं ट्रेन करने में जिनके रनिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है? तो अगर हम कार्डियो की बात करें जिसमें हमारा हार्ट रेट इन्वॉल्व हो, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ रिलेटेड टू मसल स्टार्ट, सबसे पहले तो हम उसमें बॉडी को असेस करते हैं कि हमारी जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है या हमारा जो स्पेसिफिक गोल है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइकिंग की बात कर रहे हैं, हमने खुद को पुश कितना करना है, हमने बॉडी के मसल को जो रेजिस्टेंस हमने देनी है कितनी ज़्यादा देनी है, वाया हमने ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर की तरफ जाना है या ज़्यादा हमने स्ट्रेंथ की तरफ जाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये होता है कि कॉम्बिनेशन भी बनाना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम हाइकिंग के लिए जा ही रहे हैं तो हमें जंप्स भी लेने हैं, हमने बैग्स भी उठाए हुए हैं, हमें उसमें हाई इंटेंसिटी की भी ज़रूरत है, हमें कार्डियो की भी ज़रूरत है। सो ये सब कुछ एक साथ आता है, तो हम उसको स्पेसिफिकली पर क्लाइंट उसके हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करते हैं, वी ट्रेन लाइक अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। परफेक्ट, एग्जैक्टली, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। के जो हयान ने बड़ी अच्छी बात की है कि एक कॉम्बिनेशन जो स्ट्रेंथ का और कार्डियोवैस्कुलर मूवमेंट्स का होता है कि ना ही सिर्फ आपने कार्डियो के लिए रनिंग के लिए ट्रेन करना है, बट यू हैव टू ट्रेन फॉर रनिंग विद स्ट्रेंथ विद लोड ऑन योर बॉडी। तो वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाती है जो कि आपको देन हेल्प करती है टू अप्लाई टू दैट स्पेसिफिक प्रोफेशनल स्पोर्ट। एंड हमें पता है कि हाइकिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग इज वन ऑफ देम। सो अब सरमद के पास आ जाते हैं। सरमद, मुझे ये बताएं कि जो बॉक्सिंग है, किस तरह से हमने देखा है कि जो प्रोफेशनल लेवल पे जो बॉक्सर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है वो वन ऑफ दी टफेस्ट होती है। और हमने देखा है कि अक्सर हमने मूवीज़ और ड्रामाज में, आई एम श्योर सब ने देखा होगा कि वो बहुत हैवी लोड्स लेके तो स्टेयर से ऊपर नीचे जा रहे होते हैं और अपनी बॉडी को उन मूवमेंट से ऐसे ऐसे शॉक्स देते हैं ट्रेनिंग में जो कि ऑब्वियसली एक अनफॉरसीएबल चैलेंज होता है। जब आप बॉक्सिंग रिंग में स्टेप इन करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि उधर एक ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम होती है। जिस तरह अब हम प्लान करें सियाचिन जाने के लिए, सो यहाँ पर हम अपनी ट्रेनिंग तो मुकम्मल करेंगे, बट देन यू हैव टू ट्रेन फॉर दोज अनफॉरसीएबल चैलेंजेस जो कि आपको नहीं पता वहाँ पर कहाँ आएंगे। तो वो मुझे बताएं कि आप इम्प्रोवाइजेशन के लिए किस तरह से ट्रेन करते हैं अपने एथलीट्स को? बेसिकली बॉक्सिंग, एमएमए या कुछ भी किसी भी किस्म की मिक्स मार्शल आर्ट्स जो हो, उसकी ट्रेनिंग इज़ मोस्टली कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए। तो इसमें जितनी भी ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, दैट्स मोर टू डू इन बिल्डिंग अप एंड्योरेंस, या फिर मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स का मेन सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए भी। ऑब्वियसली एनी सॉर्ट ऑफ एमएमए विल हेल्प यू विद सेल्फ डिफेंस एज वेल। इसकी जितनी भी ट्रेनिंग होगी, बेसिकली इट स्टार्ट्स वेरी बेसिक, वेरी स्लो, वेरी लो इंटेंसिटी, लेकिन जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट, इट्स मोर टू डू विद रेपिटेशन, और आहिस्ता इसकी एंड्योरेंस लेवल्स वीकली बेसिस पर बढ़ते रहते हैं। राइट राइट, दैट इज़ अमेजिंग। सो लाइक आई सेड कि जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट जॉनर्स ऑफ एथलीट्स और प्रोफेशनल्स को हेल्प करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली एज वेल। बट दैट बींग सेड, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स गेट डन विद द रेस्ट ऑफ आवर वर्कआउट एंड लेट्स डू दिस। All right, so we're on our final set of today's workout plan.
एंड वी गोना गो ऑल इन दिस. ये हमारा एक हिट सेक्शन है एंड इसमें वी हैव डिफरेंट एक्सरसाइजेस दैट विल बी टेस्टिंग अस ऑन डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. सो लेट्स गेट दिस डन. ये लास्ट हमारा बर्नआउट सेशन है. इस पर आप देख सकते हैं हम डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. जिस तरह के हयान इन फ्रंट ऑफ मी इज ट्रेनिंग एट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट लेवल जहाँ पे ही इज यूजिंग वेट्स इन इट सेल्फ और उसके साथ वो वेटेड वेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं जो कि इन इट सेल्फ अप्लाई होती है उन सिचुएशंस में जहाँ पर आप हैवी लोड्स अपने ऊपर कैरी करें, ना ही सिर्फ हाथों में बट अपनी बॉडी के ऊपर एज वेल. और उसके साथ साथ ही आउट ऑफ ब्रेथ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं एट अ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, लेट्स गो. माइंड सेट, मेक श्योर यूर ऑल इन टू दिस, यू गॉट दिस, यू डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप टेलिंग योर सेल्फ दैट यू कैन डू दिस. So let's get started, guys. Almost there. Let's go. We're almost there. Keep moving. In 3, 2, 1, and up. Hoo. Come on, guys. Push it. You got this. Come on. Let's power through this. Keep going, guys. Rukenge nahi. Come on. Karte rahe, badhte rahe. Come on. Hoo. You got this, buddy. All okay? Yeah. All good. Come on, let's go. Come on, 5 more minutes. You've got 20 more reps. Come on, you got this. Easy. Let's go. Back up. You don't give up. Keep pushing, Hayan. Come on. Let's go. Let's power through. Come on. Very nice, yaar. Bahut aala, Hayan. Come on. Keep moving. Let's go. Woo. Come on, guys. Good job, guys. So we're done with this group activity of our training session. In this, we have shown you how to use different exercises, different equipment, and simulate the scenarios that will apply in the situation where your respective profession will improve, where your respective profession will come from. And most importantly, हमने आप लोगों को दिखाया कि कैसे as a group it is important to carry each other together. जहाँ पे आपको लगे कि आपका जो team member या partner down हो रहा है वहाँ पे you keep telling them and yourself that you got this, keep moving. So एक positive energy बहुत ज़रूरी है in order to carry out those tasks जिनके अंदर risks involved हैं. तो जब तक आप positivity के साथ अपने आप को mentally train नहीं करेंगे, this is gonna be very difficult no matter आप कितने भी physically trained हों. So मेंटल ट्रेनिंग कम्स फर्स्ट, उसके साथ आपकी जो फिजिकल इंड्योरेंस है वो एट पार होनी बहुत ज़रूरी है. सो ग्रेट ट्रेनिंग सेशन बट एंड ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन है और इसी तरह आपने अपने आप को महीनों और सालों ट्रेन करना पड़ता है तब जाके आप उस लेवल पर पहुंचते हैं जहां पर आप दुनिया में उन लोगों में शुमार होते हैं जो कि सबसे फिट होते हैं, जो कि इन टास्क को easily as a professional and as a fittest human being carry out kar sakte hain. So great job team, bahut aala hai yaar. Good job. Good job Nadia. Good job guys. Woo! That's it from this training session and once again kal and aane wale dino mein inshallah mazid hum isi tarah ke training sessions jo hain unko jari rakhenge. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं समीर ताहिर मलिक और हम जिस फैसिलिटी में मौजूद हैं आयरन बॉक्स जिम, समीर
उस जिम के ओनर और को फाउंडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर। अस्सलाम वालेकुम। सैम हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग द फिटनेस रेवोल्यूशन फॉर नॉट ओनली लाहौर बट पाकिस्तान इन इटसेल्फ। तो वह भी हम मज़ीद समीर से गपशप करेंगे इस बारे में, बट आप लोगों को बताता चलूँ, एक ओवरव्यू दे दूँ कि जो एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन और प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने के हवाले से एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग है जिसको क्रॉसफिट भी कहा जाता है, उसको पाकिस्तान में लाने वाले समीर एंड आयरन बॉक्स आर वन ऑफ दी फर्स्ट। एंड उसकी वजह से आयरन बॉक्स जिम को ये शर्फ हासिल है कि वो पहला फिटनेस इंस्टीट्यूट है जिसने वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जो कि सिर्फ नॉर्मल सिविलियंस को नहीं बल्कि उन एथलीट्स और उन प्रोफेशनल्स को ट्रेन करें जिनका प्रोफेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिजिकल फिटनेस। सो मजीद समीर से इस बारे में जानते हैं। ओवर टू यू सैम। थैंक यू माद। सो बेसिकली जब हमने आयरन बॉक्स का आइडिया आया था और हम वी वर द फर्स्ट वंस जो क्रॉसफिट लेके आए थे, तो हमारा सबसे बड़ा जो मेरा इख्तलाफ था रेगुलर जिम से वो यही था कि फिटनेस कोई भी नहीं प्रमोट करता। एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, लोग जाते हैं, वजन उठाते हैं, बड़े होते हैं लेकिन सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, हाइकिंग नहीं कर सकते, अगर एक शॉपिंग करने जा रहे हैं और उनको अपनी ग्रोसरी स्टोर से अपनी गाड़ी तक ले जाना पड़े तो उसमें उनका सांस फूल जाता है। सो मुझे बड़ा मेरा इख्तलाफ था इस चीज़ से, और फिर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ एथलीट्स आके ट्रेन कर सकें। कुछ एथलीट्स जो फाइनेंशली अच्छे बैकग्राउंड से भी आते हैं और अफोर्ड भी कर सकते हैं, उनके पास तक कोई जगह नहीं थी, तो हम उनको भी कैटर करते हैं। और हमारी ये भी कोशिश है कि कुछ एथलीट्स जो नेशनल लेवल के हैं उनको हम डिस्काउंटेड रेट्स पे या ख़ुद फंड करके उनको ट्रेन कर सकें, जो कि कोई भी नहीं करता। कौन से ऐसे एथलीट्स हैं जो यहाँ आ चुके हैं और जो नेशनल लेवल पर भी रिप्रजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान? सो हमारी टीम में एक्चुअली टेनिस की टीम में दो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हयान इज़ वन ऑफ देम। तला तालिब यहाँ आए हुए हैं, हु इज़ एन एक्स ओलंपियन, बल्कि वो यहाँ के सेमिनार्स भी करते हैं ताकि और नए बच्चों को भी सिखाया जा सके। नए टैलेंट के पास जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है उनको भी मौका देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वी आर फोकसिंग ऑन। कॉमनवेल्थ गेम्स में बल्कि अभी जहाँ नारा गई थी वो और उनका भाई दे ऑल्सो वर्क आउट हियर, जहाँ नारा खैर अब मलेशिया मूव कर गई हैं। सो दानियाल उनका भाई कल ही आ रहा है, मेरी अभी उनकी मदद से बात हुई थी। ही जस्ट रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन द इस्लामिक गेम्स, इज़ आई थिंक 14-15 ईयर्स ओल्ड। सो यू नो बहुत सारे एथलीट्स हैं जो आ रहे हैं, बहुत सारे एथलीट्स हैं जो आना चाहते हैं, तो अलग शुक्र है, वी आर डूइंग व्हाटएवर लिटिल सर्विस दैट वी कैन। दैट इज अमेजिंग। एंड मूविंग ऑन समीर, कुछ मुझे उन आउटडोर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स का बताएं जिसमें जो ट्रेनिंग है, जिस हवाले से आयरन बॉक्स ट्रेनिंग कराता है और उस चीज में हेल्प होती है। फॉर एग्जांपल, यू योरसेल्फ आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैकिंग एंड ट्रैवलिंग, और उसमें किस तरह से आपने ये फील किया है कि ट्रेनिंग ने आपको हेल्प किया है इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर फिटनेस एंड जो आपका शौक भी है उसको मजीद एनहांस भी कर दिया? सो बड़ी मज़े की बात है, अभी कोई दो हफ्ते पहले ही आफ्टर ईयर बीच में टाइम नहीं मिला तो एक साल बाद गया हूँ मैं हाइक पे। गलियात के ये दो तीन माउंटेन टॉप्स और जो उनकी बेस्ट हाइक्स हैं वो मैंने की दो दिन के अंदर अंदर, तो बहुत फ़र्क है। और इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे फिटनेस रेजिमन ऐसा है कि उसको मैं डायरेक्टली ट्रांसलेट कर पाया और बड़ी आसानी से सारी ट्रैक्स हुई। तो डायरेक्ट इनका रिलेशन है फिटनेस का और आउटडोर एक्टिविटीज़ का, डेफिनेटली। सो जिस तरह कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम बेसिकली मी एंड माई टीम वी आर प्लानिंग टू ट्रैक सियाचिन ग्लेशियर, तो ऑब्वियसली वो एक जियोग्राफिकल ऐसी टेरिटरी है जो कि बड़ी चैलेंजिंग है। Absolutely. वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की हाइट, सब कुछ बहुत मुख्तलिफ है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट के किस तरह की ट्रेनिंग और हाउ विल दिस ट्रेनिंग हेल्प अस टू बी मोर कंफर्टेबल एंड टू बी मोर प्रोडक्टिव वंस वी आर देयर, और ये ना हो कि हम बिल्कुल ही जो अपना काम करने जा रहे हैं और जो एडवेंचर करने जा रहे हैं अनफिट होने की वजह से मेंटली एंड फिजिकली वो ना कर पाएँ। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? सो इसमें देखें, बेसिकली तो आपके फिटनेस लेवल्स उन फौजियों जैसे होने चाहिए जो वहाँ पे पूरा पूरा महीना 15-15 दिन ऊपर इग्लू में गुजारते हैं। That is amazing and shout out to them. Yes, absolutely. It's a big thing. तो ऑब्वियसली ये थोड़ा टाइम लगाने वाली चीज़ है, बट अगर आप अपनी फिटनेस पे काम करते रहें, क्रॉस फिट वर्कआउट, स्मार्ट ट्रेनिंग, स्मार्ट ट्रेनर के साथ, 110% ये चीज़ अचीवेबल है। और जितना मेंटली स्ट्रांग हो गए एट द एंड ऑफ द डे, फिजिकली भी आप अपने आप को उतना पुश कर सकते हैं। Awesome. And to conclude this conversation, I would ask Sam कि वो कुछ टिप्स और कुछ सजेशंस दें उन इंटरेस्टेड
माउंटेनियर्स को और ट्रैवलर्स को जिनका जो प्रोफेशन है वो फिजिकल फिटनेस के ऊपर डिपेंडेंट है एंड जिनको वो गाइड कर सकते हैं और जो ये आयरन बॉक्स जैसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर फिजिकल फिटनेस, क्योंकि जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे अब जो माउंटेनियरिंग हो रही है और उनकी जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एंड हम जो अपना, क्योंकि हमारा तो एक ये नेचुरल एक गॉड गिफ्टेड जियोग्राफिकल असासा है जो कि माउंटेन इतनी बड़ी मेजर माउंटेन रेंजेस टॉप्स इधर पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो इतना डिस्टेंस नहीं कवर करना पड़ता, आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना पड़ता. वो सब होते होते हम जो अपनी नो डाउट कि हमारे बड़े नाम हैं और बड़ा हमें फ़ख्र है उन नामों पर जिन्होंने हमारे K2 नांगा पर्वत जैसे पहाड़ जो हैं वो सर किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह अब लोग जो हैं वो बड़े कम टाइम में मल्टीपल पहाड़ सर कर रहे हैं और ज़्यादा रिकॉर्ड्स बना रहे हैं एंड बड़ा सेफली, क्योंकि सेफ्टी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेफली जो है अपनी जो माउंटेनियरिंग है. नो डाउट उसके अंदर रिस्क और चैलेंजेस बहुत इन्वॉल्व हैं, लेकिन इस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है विद प्रॉपर ट्रेनिंग. सो हाउ विल यू कंक्लूड एंड गिव योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स टू दीज माउंटेनियर्स? देखिए, अगर आपने किसी भी स्पोर्ट में, स्पेशली माउंटेनियरिंग जैसे स्पोर्ट में इम्प्रूव करना है, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है. जितनी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, आपकी टांगे, आपकी अपर बॉडी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपकी बॉडी को इतना ऊंचा ले जा सके, कंटिन्यूअसली वॉक कर सके. एग्जैक्टली, आपने अपने सामान साथ कैरी करना होता है, इट्स नॉट ईजी. देन ऑफकोर्स कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं आपकी लंग कैपेसिटी, ब्रीदिंग के लिए. और एंड आई रियली रियली थिंक कि योगा लोगों को करना चाहिए, जिस पर लोग फोकस नहीं करते. लोग उसको बहुत एक आसान सी चीज़ समझ जाते हैं. अगेन, जितनी आपकी ब्रीदिंग बेहतर होगी, जितनी आपकी लंग कैपेसिटी बेहतर होगी, उतना ऊपर जाकर वो चीज़ आपको मेंटली भी फिट. एग्जैक्टली. एंड क्योंकि इसमें रिस्क इतना इन्वॉल्व होता है, तो सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी फिट हैं, तो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं. नो डाउट, आप जितने भी एक्सपीरियंस्ड हों या आप अपना फ्यूचर, अपना एक प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ माउंटेनियरिंग, एक बड़ा मेजर रिस्क इन्वॉल्व है इस तरह के सपोर्ट में, और उसको मिनिमाइज कर सकते हैं विद प्रॉपर ट्रेनिंग, योर फिजिकल एंड मेंटल. फाइनली, हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन था, अपने इख्तिताम को आता है. और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से आप अपने आप को फिज़िकली फ़िट रख सकते हैं, और ना ही सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली भी किस तरह से अपने आप को फ़िट रख सकते हैं उन कामों के लिए जिसमें आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस रिक्वायर्ड है, ऐसे काम जिसमें आपके प्रोफेशन पे किसी और बंदे की जान डिपेंडेंट है, या आपके अपने प्रोफेशन से आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो सकती है. ये सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में सीखी, क्योंकि टीम मैड वेंचर जो है वो ऑलरेडी तैयारी कर रही है एक बड़े ही डिफ़िकल्ट और मुश्किल एडवेंचर की, ट्रैक की, जो कि होगा सियाचिन ग्लेशियर का. और आप लोगों को बताते चलें, ये ट्रैक कोई आम ट्रैक नहीं है. इसके लिए आपको फिज़िकली, और जैसे कि मैं बार बार इस चीज़ पे खास जोर दे रहा हूँ कि मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है. आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग मौजूद थे आयरन बॉक्स जिम के अंदर, जहाँ पे हमने आप लोगों को दिखाया कि वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जहाँ पर आप एज एन एथलीट, आप एज एन प्रोफेशनल जो कि फायर फाइटर, मिलिट्री या पुलिस से ताल्लुक़ रख सकते हैं, किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगी या तो किसी की जान बचाने में, या फिर अपने ही प्रोफेशन को या अपने ही स्पोर्ट को इम्प्रूव करने में. और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे हमने फोकस किया माउंटेनियरिंग के ऊपर, जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट है और पाकिस्तान में एक बड़ा इमर्जिंग स्पोर्ट है. जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान इज़ गिफ्टेड इन वाइड रेंज ऑफ माउंटेन पीक्स, जिस पे हमारे जवान, हमारे यंग माउंटेनियर्स जो हैं वो ट्रैक कर रहे हैं और नए से नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. लेकिन हम ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आप अपनी ये स्पोर्ट, अपनी ये ट्रैकिंग, अपनी अचीवमेंट्स सेफली भी कर सकते हैं. लेकिन टीम मैडवेंचर बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ टीम मैडवेंचर ने तैयारी की है हमेशा की तरह. जिस तरह से वो मुश्किल से मुश्किल ट्रैक और एडवेंचर्स आपके सामने लेके आते रहे हैं, उसी तरह वो चाहते हैं कि इसी तरह एक और ज़बरदस्त किस्म का एडवेंचर आप लोगों के सामने लेके आए इन अ वेरी सेफ मैनर. और उसके लिए हमने ये सारे प्रिकॉशंस लिए, उसके साथ हमारी कोशिश थी कि अवेयरनेस क्रिएट करें हमारे यंगस्टर्स में, हमारे स्पोर्ट्समैन के अंदर, एथलीट्स के अंदर, और वो लोग जिनके शोबे से डिपेंडेंट है दूसरे लोगों की जानें बचाना. तो उम्मीद है कि आज की एपिसोड बहुत ही फ्रूटफुल होगी, एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा,
और उसके साथ साथ एंटिसिपेशन बिल्ड हो गई होगी, जिस तरह से हमारी एक्साइटमेंट बिल्ड हो गई है फॉर आवर नेक्स्ट एडवेंचरस. दैट्स इट फ्रॉम टुडे. साइनिंग ऑफ, आई एम इमाद मीर एंड दिस इज मैडवेंचर.